नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूँ रेखा कड़ाकुटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहाँ पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। कार्यक्रम में आज बात करेंगे धातुओं और उनके प्रयोग की। धातुओं का ज्योतिष में क्या महत्व होता है, अलग अलग प्रकार के धातुओं का प्रयोग कैसे आपके जीवन की बाधाओं को दूर कर सकता है, आपको बताएंगे पंडित जी। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। शुक्रवार के दिन बालिकाओं को, महिलाओं को, कन्याओं को, स्त्रियों को सफेद मिठाई खिलाने का प्रयास करिए, चाहे वो आपके घर की महिलाएं हों या बाहर की महिलाएं हों। अगर आप ये छोटा सा उपाय हर शुक्रवार के दिन करें तो आपकी कुंडली का शुक्र मजबूत होगा और शुक्र के मजबूत होने से जीवन में जो हैप्पीनेस है, जीवन में जो खुशियां हैं, वो निश्चित रूप से आपको प्राप्त होंगी। तो चलिए, तो बात हो गई गुड लक मंत्र की। पंडित जी ने आपको गुड लक मंत्र तो दे दिया है, इसको आप भी प्रयोग में ला सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और 25 जून यानी कि शनिवार का पंचांग भी पंडित जी से जान लेते हैं। दिनांक 25 जून 2022, दिन शनिवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, सुबह के 10:24 तक चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम के 5:03 तक राहु काल का समय, सुबह के 9 से लगभग 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो पंचांग भी आपको पंडित जी ने यहां पर बता दिया है, किस तरीके से आपको अपने दिन की शुरुआत शुभ करनी है, क्या करना चाहिए, ये आपने जान लिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात अब कर लेते हैं आज के विषय पर। आज हम पंडित जी से जानने वाले हैं धातुओं के बारे में। तो सबसे पहले सवाल पंडित जी मेरा आपसे यही है कि धातुओं का ज्योतिष में क्या महत्व होता है? अगर हम मेटल्स की बात कर रहे हैं, धातुओं की बात कर रहे हैं, तो मेटल्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं आम जीवन में भी और ज्योतिष में भी। हर धातु अपने आप में ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत है। हर मेटल से एक विशेष तरह की एनर्जी, एक विशेष तरह की ऊर्जा निकलती है। धातुओं का प्रयोग करके हम स्वास्थ्य को, मन को और सोच को बदल सकते हैं। धातुओं का सही प्रयोग करने से तुरंत लाभ होना शुरू हो जाता है। एक तो सोना चांदी अगर छोड़ दें तो बाकी धातुएं बहुत महंगी भी नहीं होती, और इनका प्रयोग अगर आप ठीक तरीके से करें तो तुरंत आपको फायदा होगा। इनका प्रयोग कड़ा पहन करके या छल्ला पहन करके किया जा सकता है। आप देखिए कि जब हम कोई रत्न पहनते हैं तो हम कहते हैं कि इस धातु में, इस विशेष धातु में रत्न पहनना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उस रत्न के साथ, उस ग्रह के साथ उस धातु का संबंध होता है। और जब सही मेटल में, सही धातु में आप सही रत्न पहनते हैं तो फायदे आपको ज़्यादा होते हैं। तो धातुओं का ज्योतिष में क्या महत्व होता है, ये तो पंडित जी ने हमको समझा दिया है। आइए अब धातुओं पे आते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सोने की यानी कि स्वर्ण की। तो स्वर्ण का पंडित जी क्या महत्व होता है और इसका प्रभाव किस तरीके का होता है? अगर हम सोने की बात करें यानी गोल्ड की, स्वर्ण की, तो दुनिया की सारी धातुओं में जितने भी मेटल्स दुनिया में पाए जाते हैं उनमें सबसे ज्यादा ऊर्जावान धातु है। इसकी एनर्जी का लेवल सबसे ज्यादा होता है। इस धातु का सीधा संबंध होता है बृहस्पति के साथ। बृहस्पति की जो मुख्य धातु है वो गोल्ड है यानी कि सोना है। जब आप सोना पहनते हैं या सोना धारण करते हैं तो ये आपके पाचन तंत्र पर यानी आपके डाइजेशन पर,
आपके क्रोध पर और आपके एडमिनिस्ट्रेशन पर, आपके प्रशासन करने की क्षमता पर यह सीधा असर डालता है। कन्या राशि, मकर राशि और कुंभ राशि के लिए सोना पहनना बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि इनके लिए बृहस्पति शुभ ग्रह नहीं माना जाता। जिन लोगों को पेट की ज्यादा समस्याएं रहती हों या जिनको बहुत ज्यादा क्रोध आता हो, जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहते हों, ऐसे लोगों को भी सोना पहनने में सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी का लेवल बढ़ा देता है, इसलिए क्रोध एग्रेशन भी बहुत हद तक बढ़ा देता है। तो धातुओं की हमने बात की और सबसे पहले पंडित जी ने आपको सोने यानी कि स्वर्ण गोल्ड के बारे में यहाँ पर बता दिया है, क्या प्रभाव इसका होता है और किस तरीके से सोना आपका क्रोध बढ़ा सकता है। तो अगर आप भी उन राशियों में से आते हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखिए जो कि पंडित जी ने आपको बताई हैं। फिलहाल आगे आप लोगों के सवाल यानी कि जो ईमेल्स आप लोग हमें भेजते हैं वो हम लेंगे और बताएंगे एक महा उपाय, लेकिन उससे पहले आप बात राशियों की कर लेते हैं और सबसे पहले आप बात कर लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि के दैनिक राशिफल की। मेष राशि, आपके स्वास्थ्य के मामले में, आपके मन के मामले में सुधार होता दिख रहा है और इस समय आपके लिए धन लाभ के योग भी बने हुए हैं। अगर आप संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो फिलहाल संपत्ति का लाभ होता हुआ आपको निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर हो तो किसी निर्धन को धन का दान करेंगे, मुश्किलें आपकी कम होंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए इस समय, अपने क्रोध पर और अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखिए। अगर कोई महत्वपूर्ण काम करना ही है आपको तो शाम के बाद करेंगे तो काम आसानी से बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप भोजन का दान करें तो आपके दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। मिथुन राशि, करियर में आपके लिए बड़ी सफलता के संकेत हैं इस समय। आपके बहुत सारे रुके हुए काम भी इस समय पूरे होंगे, लेकिन देर शाम बेवजह के विवाद हो सकते हैं, उससे आपको बचना चाहिए। शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, तो बात होगी मेष, वृष और मिथुन राशि के जातकों की, उनका दिन कैसा बीतने वाला है ये आपने जान लिया है। अब जान लेते हैं आप लोगों के सवालों के जवाब। जी हाँ, वक्त हो गया है पहले ईमेल का, तो देखते हैं जो पहला ईमेल है वो हमें किसने भेजा है, क्या वो पूछना चाहते हैं और क्या समाधान उनके लिए पंडित जी लेकर आए हैं। पंडित जी जी, पहला प्रश्न है रेखा, कविता जांगरा जी ने हमें सवाल लिखा है, गुड़गांव से लिखती हैं ये। इनके जन्म की तारीख है 12 जनवरी 1998, जन्म का समय है 8:30 रात को, जन्म स्थान है गुड़गांव। ये लिख रही हैं कि मेरे लिए कौन सा करियर बेहतर होगा, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूं या प्राइवेट सेक्टर में जाऊं। दूसरा सवाल ये पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। कविता, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि बनती है मिथुन राशि, महादशा शनि की और अंतर दशा बृहस्पति की चल रही है मई 2024 तक। सबसे पहले बता दूं कि आप शिक्षा क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब पाने की कोशिश करिए,
शिक्षा क्षेत्र में सरकारी सेवा के योग आपके बनते हैं और ये स्थिति 2023 में दिखाई दे रही है। एजुकेशन फील्ड में गवर्नमेंट जॉब आपको 2023 में मिलेगी। दूसरी बात यह है कि विवाह में अभी आपके विलंब है, 2025 का एक अच्छा समय है जब आपके विवाह होने की संभावना बनती है। 27 वर्ष पूरा करने के बाद 2025 में आपका विवाह हो पाएगा। देखिए, इस कुंडली में वैवाहिक जीवन में ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बृहस्पति राहु केतु के एक्सिस में है, जो ये बात कहता है कि पति पत्नी के बीच में बेवजह की ईगो प्रॉब्लम, बेवजह का ईगो क्लैश हो सकता है। इससे बचने का रास्ता आपको खोजना होगा, इसलिए कुंडली मिला लीजिएगा शादी करने के पहले और तालमेल वाले हिस्से को देख लीजिएगा। अब आपका करियर जल्दी शुरू हो सके, करियर में आपको बेहतर सफलता मिल सके, इसके लिए एक मूंगा बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम, रोज सुबह 10 बजे के पहले स्नान करके अगर आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो यह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, आप हमें लिंक भेजिए, हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अगली धातु के बारे में पंडित जी से जान लेते हैं, क्योंकि सोने के बारे में हमने जान लिया क्या असर होता है उसका, अब बात करते हैं तांबे की। तो पंडित जी, तांबे का किस तरीके के असर हम देख पाते हैं जीवन में अगर कोई धारण करता है तो उसे? सोने की बात हमने आपको बता दी, अब बात करते हैं तांबे की, यानी कि कॉपर की। तांबा जो धातु है, इसका गुण जल और अग्नि का मिला जुला होता है, यानी तांबे का प्रभाव जलीय भी होता है और फायरी भी होता है। आम तौर पर औषधीय धातु है, दवाइयों के मामले में, मेटल्स के मामले में तांबे का दवाई के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, और तांबे का सीधा संबंध होता है सूर्य से और मंगल से। जब आप तांबा पहनते हैं तो तांबा आपकी त्वचा पर, आपकी स्किन पर, आपके ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त प्रवाह पर और आपके पाचन तंत्र पर, आपके डाइजेशन पर सीधा असर डालता है। आप तांबे के बर्तन से पानी पिएंगे, डाइजेशन पे फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। अगर आपको सूट करेगा तो आपकी स्किन बेहतर हो जाएगी और ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक होगा, अगर तांबा आपको सूट करता है तो। मिथुन राशि, कन्या राशि और तुला राशि के लोगों के लिए तांबा बहुत अच्छा नहीं माना जाता, तांबा इनके लिए बहुत अनुकूल नहीं होता है। तांबे के साथ दो बातें समझ लेना और भी जरूरी है कि तांबे के साथ दूध का प्रयोग या नॉनवेज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तांबे को एक पवित्र धातु मानते हैं और कहते हैं कि तांबा पहन करके नॉनवेज मत खाओ, तांबे में दूध का प्रयोग मत करो। देखिए, पवित्रता का जो भी कारण हो वो अपनी जगह है, लेकिन मुख्य बात है कि तांबे के साथ दूध का प्रयोग करने से वो कॉपर सल्फेट बन जाता है, जिसको तूतिया कहते हैं, जो कि एक पॉइजन है। इसीलिए तांबे के साथ दूध जहर होता है, नॉनवेज पॉइजन की तरह काम करता है, इसीलिए कहते हैं कि तांबे के साथ दूध का प्रयोग नहीं किया जाए। लेकिन सामान्यतः आप तांबे का कड़ा या छल्ला पहन सकते हैं और तांबे के बर्तन में रख करके पानी भी पी सकते हैं। ये आपके स्वास्थ्य के लिए, खासतौर से स्किन के लिए और पेट के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आगे बढ़ते हैं और अब अगली धातु जो है वो लोहा है, चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं, क्या इसका महत्व होता है, क्या इसके असर दिखाई देते हैं पंडित जी? दुनिया में सबसे ज्यादा जिस धातु का इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है, वो है आयरन यानी लोहा। सारी धातुओं में सबसे ज्यादा रहस्यमयी धातु है, सबसे ज्यादा मजबूत, रहस्यमयी और सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली धातु है लोहा, यानी कि आयरन। ये शनि देव की धातु मानी जाती है
और जब आप लोहे का प्रयोग करते हैं, लोहा पहनते हैं या जीवन में लोहे का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आपके ब्लड सर्कुलेशन पर, रक्त प्रवाह पर, आपके हड्डियों पर, बालों पर और कोशिकाओं पर इस धातु का असर ज़्यादा पड़ता है। बाल के लिए जब औषधि बनाते हैं, उसमें भंगरैया डालते हैं, उसमें तमाम तरह की चीज़ें डालते हैं, रीठा डालते हैं, शिकाकाई डालते हैं, आंवला डालते हैं बाल के लिए, तो उसको आम तौर पर लोहे की कड़ाही में या लोहे के बर्तन में बनाते हैं और उसका इस्तेमाल अपने बालों के लिए करते हैं, क्योंकि लोहे का अंश आपके बालों के लिए बड़ा अच्छा साबित होता है। ये धातु मकर और कुंभ राशि के लिए सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है। अगर आपकी राशि मकर है या आपकी राशि कुंभ है, तो आपको लोहे का छल्ला या लोहे का कड़ा पहनना चाहिए, बहुत ही अच्छा होगा। और सिंह राशि के लिए ये धातु अच्छी नहीं होती, तो सिंह राशि वालों को लोहा धारण करने से बचना चाहिए। लोहे के बारे में दो बातें आप और समझ लें तो बहुत अच्छा होगा। एक तो ये कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि शनिवार को लोहा मत खरीदो। अगर आपकी कुंडली में शनि फेवरेबल है, अनुकूल है, आप शनिवार को लोहा खरीद सकते हैं। अगर कुंडली में शनि अच्छा नहीं है, तब आपको शनिवार को लोहा खरीदने से बचना चाहिए। दूसरे, जिन लोगों को बहुत डर लगता हो, बहुत भय लगता हो, नंबर एक। नंबर दूसरा, जो लोग नौकरी करते हों। नंबर तीसरा, जो महिलाएं गर्भवती हों, ऐसे तीनों लोगों को लोहे का छल्ला अपनी राइट हैंड या लेफ्ट हैंड की मध्यमा उंगली में पहनना चाहिए। इससे डर दूर होता है, नौकरी ठीक चलती है, और जो महिलाएं गर्भवती हैं, जब वो लोहे का छल्ला पहनती हैं, तो किसी तरह की दिक्कत प्रेगनेंसी के दौरान उनको नहीं होती है। तो ऐसे तीन कैटेगरी के लोगों के लिए लोहे का छल्ला पहनना बहुत शुभ होता है। तो चलिए, पंडित जी ने आपको सोने के बारे में, तांबे के बारे में और लोहे के बारे में, यानी कि धातुओं का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इन सब के बारे में बता दिया है कि किस तरीके से आपको इसका प्रयोग करना है, किन चीज़ों का इस बीच में आपको ध्यान रखना है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब समय हो गया है दैनिक राशिफल का, और अब देख लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं आपकी निश्चित रूप से समाप्त होंगी, मन थोड़ा बेहतर होगा, प्रेम संबंधों की जीवन में शुरुआत हो सकती है, और इस समय आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होता हुआ दिख रहा है, यानी दिन आपका पहले की तुलना में बेहतर जरूर है। पीपल के वृक्ष में एक लोटा जल अगर आप अर्पित कर दें, तो आपका दिन शुभ हो जाएगा। शुभ रंग होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होती हुई दिखाई दे रही हैं। काम में जो रुकावट चली आ रही थी, काम जो आपके बीच में रुके हुए थे, वो पूरे होंगे, काम की रुकावट दूर होगी। धन लाभ के अच्छे योग भी फिलहाल आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान करें, तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, इस समय आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, धन के लेन देन के मामले में थोड़ी सावधानी बनाए रखें, और इस समय आपके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शनि मंत्र का अगर आप जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा।
तो चलिए ये तो बात हो गई कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों की, उनका दिन कैसा बीतेगा पंडित जी ने आपको बता दिया है। अब वक्त हो गया है हमारे अगले ईमेल का, देखते हैं जो अगला सवाल है वो हमें किसने भेजा है। पंडित जी जी, अगला जो प्रश्न है हमारे पास, कृष्णा बैनर्जी जी लिखती हैं हमें, कोलकाता से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 28 जनवरी 1965। जन्म का समय है 10:31 सवेरे और जन्म स्थान है कोलकाता, पश्चिम बंगाल। ये लिख रही हैं कि मुझे घुटने की समस्या है, पैरों की अंगुलियां भी मेरी सुन्न हो जाती हैं। डॉक्टर कहते हैं कि आपको अपने नी का रिप्लेसमेंट कराना चाहिए, घुटनों का ऑपरेशन करा लेना चाहिए और जल्दी से जल्दी करा लेना चाहिए। ये पूछ रही हैं कि क्या मैं ऑपरेशन करवाऊं और अगर मैं ऑपरेशन करवाऊं तो कब करवाऊं ताकि मेरा ऑपरेशन सफल हो। कृष्णा जी, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और आपकी राशि बनती है वृश्चिक। महादशा राहु की और अंतर दशा भी राहु की चल रही है अगस्त 2022 तक। सबसे पहले बता दूं कि अगस्त 2022 तक जब तक राहु की दशा चल रही है तब तक ऑपरेशन मत करवाइए, क्योंकि हीलिंग होने में, सुधार होने में मुश्किल होगी और राहु वैसे भी चीजों को बिगाड़ सकता है, कॉम्प्लिकेट कर सकता है। तो 29 अगस्त के बाद, यानी अगस्त का महीना जब समाप्त हो जाए उसके बाद आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में कभी भी ऑपरेशन करवा लें, आपका ऑपरेशन सफल होगा, पहली बात। दूसरी बात, आप ये समझिए कि आपकी कुंडली में हड्डियों के अलावा पेट की और ब्लड प्रेशर की समस्या भी दिख रही है, यानी मानसिक तनाव और स्वास्थ्य दोनों अच्छा नहीं है इस हड्डियों की समस्या के अलावा। क्या उपाय करना चाहिए? एक माणिक्य बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, रविवार को सवेरे माणिक्य बनवा करके पहन लें और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। माणिक्य के अलावा और कोई भी रत्न इस समय मत पहनिएगा, केवल माणिक्य पहनने से ही आपको लाभ होगा। तो चलिए, नहीं तो उनकी समस्या का समाधान मिल गया है, सवालों का जवाब यहाँ पर पंडित जी ने आपके दे दिया है। लेकिन अगर जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो कुछ पंडित जी से पूछना चाहते हैं वो भी हमें लिख सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब अगली धातु के बारे में पंडित जी से जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि कुछ ही देर में आपको पंडित जी देंगे एक महा उपाय और बताएंगे गुडलक राशि के बारे में। लेकिन उससे पहले अगली जो धातु है हमारी वो है स्टील, आइए जान लेते हैं इसके बारे में पंडित जी से। लोहे के समान एक और धातु है जिसका प्रयोग लोहे के लगभग बराबर मात्रा में ही पूरी दुनिया में होता है, उसे कहते हैं स्टील। जैसा मैंने पहले भी कहा कि इसके गुण लोहे से काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन स्टील शनि की धातु नहीं है, यह कंपाउंड धातु है, दो कंपाउंड से मिलकर के बनती है, इसलिए यह धातु राहु और केतु की धातु है। स्टील का संबंध होता है दुर्घटनाओं से, संचार यानी कम्युनिकेशन से और शक्ति यानी पावर से इसका संबंध होता है। जिन जिन लोगों को दुर्घटनाओं की समस्या है, संचार की बीमारियां हैं, न्यूरो प्रॉब्लम है या कान नाक गले की समस्या है या जीवन में बार बार उतार चढ़ाव होता है, उनको स्टील जरूर धारण करना चाहिए, उनको स्टील धारण करने से फायदा होता है। अगर आपकी राहु की दशा चल रही हो या आपकी केतु की दशा चल रही हो तो ज्यादातर लोग राहु या केतु की दशा में गोमेद पहन लेते हैं या लहसुनिया पहन लेते हैं, जबकि सामान्यतः राहु केतु की दशा में ये रत्न नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो अगर आपकी राहु या केतु की दशा चल रही हो और आप उससे फायदा लेना चाहते हो तो एक स्टील का छल्ला पहन लीजिए या एक स्टील का कड़ा पहन लीजिए, उससे सुधार जरूर होगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपको कान नाक गले की समस्या रहती है या जीवन में दुर्घटनाओं के योग बनते हों तो एक स्टील का छल्ला बनवा करके राइट हैंड या लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में पहनिए, दुर्घटनाओं से बचेंगे,
कान नाक गले की समस्या में भी निश्चित रूप से सुधार होगा। तो स्टील के बारे में यहाँ पर पंडित जी ने आपको बताया है, क्योंकि धातुओं का जिक्र आज हम कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी पंडित जी से ले रहे हैं कि किस तरीके से आपके जीवन में इसका प्रभाव पड़ता है अगर आप उन धातुओं का इस्तेमाल करते हैं तो, और किन सावधानियों को आपको बरतना चाहिए। फिलहाल आगे और भी धातुओं के बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है राशियों का और अब देख लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनुराशि का भाग्यफल। तुला राशि, आपकी तमाम मानसिक समस्याएं इस समय हल होती दिखाई दे रही हैं और आपके करियर की स्थिति में भी सुधार होता दिख रहा है, लेकिन कुल मिला के प्रभु अपने स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान बनाए रखिए। एक लोटा जल अगर पीपल के वृक्ष में आप अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, धन से जुड़ी हुई जो समस्या है वो समस्या दूर होगी। इस समय कोई भी विवाद होता है, शांत रहिए, शांति और धैर्य बनाए रखिए। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। आकस्मिक रूप से कोई रुका हुआ काम इस समय आपका बन सकता है और काम की जो भी रुकावटें चली आ रही हैं वो रुकावटें इस समय फटाफट दूर हो जाएंगी। एक लोटा जल पीपल के वृक्ष में अर्पित करिएगा, आपका दिन बेहद शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो तुला, वृश्चिक और धनुराशि के बारे में भी आपने जान लिया, मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में कुछ ही देर में पंडित जी आपको बताएंगे और साथ ही साथ पंडित जी से जानेंगे शुभ पहल के बारे में भी, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है आप लोगों के सवाल का। देख लेते हैं अगला जो ईमेल है वो हमें किसने भेजा है पंडित जी। जी अगला जो प्रश्न है वो कृष्ण कुमार जी ने हमें लिखा है, लखनऊ से लिखते हैं। अपनी पुत्री भावना के लिए जानना चाहते हैं। भावना की जन्म तारीख है 6 जनवरी 1989, जन्म का समय है 11 बजे सवेरे और जन्म का स्थान है झांसी, उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि पुत्री के वैवाहिक जीवन में काफी दिक्कत है, पुत्री को क्रोध बहुत आता है और इस वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कत चल रही है। क्या इनका वैवाहिक जीवन चल पाएगा या नहीं चल पाएगा? कृष्ण कुमार जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है मीन लग्न की और इनकी राशि बनती है धनु। महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा राहु की चल रही है दिसंबर 2023 तक। चंद्रमा सूर्य और शनि के साथ बैठा है, दिमाग को गर्म करेगा और मेंटल डिप्रेशन जैसी स्थितियां भी बना सकता है, इसको लेकर के सावधानी रखनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि अगर ये 2023 के समाप्त होने तक शांति बना करके थोड़ा आराम से पेशेंस रख करके रहें तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी 2024 से। अन्यथा जो स्थितियां अभी बनी हुई हैं 2022-23 में, इस समय सेपरेशन होने के, डिवोर्स होने के चांसेस बहुत मजबूत हैं और जरा भी लापरवाही करने पर यह शादी ब्रेक हो सकती है। तो आप अपनी पुत्री को दो उपाय करने को कहें। एक तो अपनी पुत्री को आप बोलें कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सादा पानी, प्लेन वाटर। और दूसरा, सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का 108 बार जप करें तो उससे चीजें बेहतर जरूर होंगी। अगर आपकी बेटी ने अंगुलियों में हीरा पहना हुआ है, डायमंड पहना हुआ है,
तो कृपा करके हीरा निकलवा देंगे, अंगुलियों में आपकी बेटी हीरा नहीं पहनेगी। तो आपकी समस्याओं का समाधान लेकर पंडित जी यहाँ पर हर रोज आते हैं, तो अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं आप हमें लिंक भेजिए। उम्मीद करते हैं आज अगर आपकी बारी नहीं आई तो कल आपका सवाल जरूर हम लेंगे। फिलहाल कैसे आपको अपने सवाल हम तक पहुँचाने हैं आप उन्हें लिंक भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। फिलहाल धातुओं के बारे में हम बात कर रहे हैं, सोने के बारे में पंडित जी ने यहाँ पर आपको बता दिया, तांबा हो गया, इसके अलावा स्टील के बारे में भी यहाँ पर हमने जाना, लेकिन अब वक्त आता है चांदी का। तो चलिए जान लेते हैं चांदी का क्या महत्व होता है, क्या इसका प्रभाव होता है पंडित जी से। मध्यम कीमती होने की वजह से, कीमती तो है लेकिन मध्यम कीमती होने की वजह से चांदी बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। चांदी जो है ये बड़ी शीतल और औषधीय प्रभाव युक्त मानी जाती है। चांदी से भी औषधियां बनती हैं, चांदी से भी दवाइयां बनती हैं। चांदी का सीधा संबंध होता है चंद्रमा से, कुछ हद तक शुक्र से भी इसका संबंध मान सकते हैं। जब आप चांदी पहनते हैं तो आपके शरीर में जो कफ है और जो वाटर कंटेंट है, जल तत्व है, उस पर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा चांदी आपके मन पर भी असर डालती है, आपके मेंटल लेवल पर भी चांदी का प्रभाव जरूर पड़ता है। मेष सिंह धनु और मकर राशि के लिए यह धातु आम तौर पर बेहतर नहीं होती है। जैसे हमने आपको बताया था तांबे के बारे में कि तांबे के गिलास में रख करके पानी पिया जाता है, वैसे ही आप जानिए कि चांदी के गिलास से भी दूध पीने से या चांदी के गिलास से पानी पीने से चंद्रमा को शक्ति मिलती है। और जिन लोगों को मानसिक तनाव पालने की आदत हो, बेवजह की चिंता करने की आदत हो, उनको चांदी के गिलास से पानी या दूध पीना चाहिए, बहुत लाभ होता है। इसके अलावा चांदी का कड़ा पहनने से या चांदी की चेन पहनने से आपके क्रोध में भी सुधार होता है, बेवजह का जो एग्रेशन है वो काफी हद तक कम हो जाता है। तो चांदी बहुत कीमती धातु है और चांदी का सही इस्तेमाल करके आप अपने मन को और बीमारियों को दुरुस्त कर सकते हैं। तो कई सारे उपयोग यहाँ पर पंडित जी ने चांदी को लेकर आपको बताए हैं, तो किस तरीके से चांदी का उपयोग करके आप यहाँ पर फायदा पा सकते हैं ये आपने जान लिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगली धातु का आप जिक्र करते हैं जो कि है पीतल, इसके बारे में भी पंडित जी आपको बताएंगे। पंडित जी, सोने के समान दिखने वाली धातु पीतल है और जहां हम सोने का इस्तेमाल नहीं कर पाते, करना चाहते हैं तो वहां हम पीतल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बिल्कुल अगर चमका दिया जाए तो बिना जांच के नहीं बताया जा सकता कि क्या पीतल है क्या पीतल नहीं है। यह जो पीतल धातु है यह शुद्ध रूप से अग्नि तत्व की धातु है, फायर एलिमेंट की धातु है, और पीतल में कुछ अंश जल का भी पाया जाता है। पीतल का संबंध, हालांकि इसका रंग पीला है लेकिन अपने गुणों की वजह से इसका संबंध बृहस्पति से भी होता है और चंद्रमा से भी होता है। जुपिटर और मून दोनों से पीतल का संबंध होता है, 80% बृहस्पति और 20% चंद्रमा। जब आप पीतल पहनते हैं, पीतल का कड़ा या पीतल का छल्ला, तो आपके शरीर के पित्त पर, आपकी त्वचा पर और आपकी आंखों पर इसका सीधा असर पड़ता है। शरीर के पित्त, त्वचा और आंखों पर पीतल धारण करने का सीधा प्रभाव जरूर पड़ता है। मेष कर्क सिंह धनु और मीन राशि के लोगों के लिए पीतल धारण करना बहुत शुभ होता है। पीतल के बारे में दो बातें और जानिए। अगर आप सोना नहीं पहन सकते तो आप पीतल का एक छल्ला दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में पहनिए। इससे आपका विवाह शीघ्र होगा और अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई बाधा है तो वो बाधा दूर हो जाएगी।
पीतल की बनी हुई शिव जी की मूर्ति या पीतल की बनी हुई गणेश जी की मूर्ति की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप पीतल के शिव जी की पूजा करें तो बृहस्पति संबंधी बाधाएं दूर होती हैं, और अगर आप पीतल के बने हुए गणेश जी की पूजा करें तो शिक्षा का, विद्या बुद्धि का वरदान मिलता है और जीवन में सामान्यतः बाधाएं आपको परेशान नहीं करती हैं। तो आज हमने पंडित जी से जाना अलग अलग धातुओं के बारे में, ज्योतिष में उनका क्या महत्व होता है, आपके जीवन में किस तरीके से अगर आप उनका इस्तेमाल करते हैं प्रभाव पड़ता है, ये आपने जान लिया है। फिलहाल अब वक्त आ चुका है आखिरी तीन राशियों के बारे में जानने का। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों का कैसा बीतने वाला है दिन। पंडित जी, मकर राशि, जिम्मेदारियां आपकी समय बढ़ेंगी, ऑफिस में काम का दबाव भी रहेगा। अगर किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो कृपा करके यात्रा में सावधानी रखिएगा, दुर्घटना हो सकती है। देर शाम संध्या काल में आपको पैसे का लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, यानी दिन आपका मिला जुला है। किसी निर्धन व्यक्ति को थोड़े से धन का दान कर दें तो आपका दिन शुभ होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा फिरोजी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। कुंभ राशि, आपका स्वास्थ्य और आपका मन ये दोनों अच्छा दिखाई दे रहा है। आर्थिक रूप से इस समय मजबूती आएगी। पूजा उपासना के मामले में किसी तरह की लापरवाही मत करिए, पूजा उपासना करेंगे तो मन की चिंताएं दूर होंगी। शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन अच्छा हो जाएगा। शुभ रंग होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी समय दूर होने वाली हैं और अच्छे खासे पैसे का फायदा भी होने वाला है। कोशिश करके देखिए, रुके हुए काम भी आपके इस समय जरूर पूरे होंगे, खासतौर से अगर करियर की कोई बात है तो। किसी निर्धन को थोड़े से धन का दान करें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो सभी 12 राशियों के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है, आप लोगों ने जान लिया कि आप लोगों का दिन कैसा बीतने वाला है, भाग्य आप लोगों का कितना साथ देगा। फिलहाल अब वक्त हो गया है आप लोगों के आखिरी ईमेल लेने का। देखते हैं जो आज का आखिरी ईमेल है, आखिरी सवाल है, वो हमें किसने भेजा है। पंडित जी, जी आज का जो आखिरी प्रश्न है वो हिम्मत भाई ने हमें लिखा है, गुजरात से लिखते हैं ये। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री का नाम है जीनल। पुत्री की जन्म तारीख है 4 दिसंबर 2016। जन्म का समय है 11:50 रात को। जन्म स्थान है अहमदाबाद, गुजरात। ये लिख रहे हैं कि बेटी छोटी तो है लेकिन बहुत जल्दी डर जाती है, और बेटी थोड़ी जिद्दी स्वभाव की है। भविष्य कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा? हिम्मत भाई, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है सिंह लग्न की और इनकी राशि बनती है मकर। चंद्रमा शनि से प्रभावित दिखाई दे रहा है, इसलिए बचपन का जो समय है, जब तक ये 8 साल की नहीं हो जाती 2024 तक, तब तक इनका मानसिक रूप से ख्याल रखना होगा, इनके डर को दूर करना होगा और इनका मेंटल सपोर्ट भी करना होगा, क्योंकि ऐसा करने से ही ये मेंटली मजबूत होंगी। अदरवाइज उम्र बढ़ने के साथ साथ मानसिक समस्याएं या मेंटल डिप्रेशन जैसी स्थितियां बन सकती हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है
कि आपकी पुत्री का करियर और भविष्य उज्जवल है, उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, केवल मन वाले हिस्से को इनके मजबूत बनाए रखिएगा। क्या उपाय करेंगे? अपनी पुत्री के लिए रोज सुबह शाम 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करिए, 108 बार सुबह, 108 बार शाम को, और एक चांदी का अर्धचंद्र लाल धागे में डाल करके सोमवार की रात को इस बच्ची के गले में पहना दीजिएगा। काले रंग के कपड़े आपकी पुत्री कम से कम पहनेगी तो इसके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए, तो बात हो गई ईमेल्स की, आप लोगों के सवाल की, और जिसका सिलसिला यहीं पर हमको ख़त्म करना पड़ेगा, लेकिन अभी और भी कुछ सवाल हैं हम लोगों के जो कि हम पंडित जी से जानने वाले हैं, जिसमें अगला ये कि 25 जून को जिन लोगों का जन्मदिन आता है उनके लिए साल कैसा बीतेगा, ये पंडित जी आपको बताएंगे। जिन लोगों का जन्मदिन 25 जून को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी जो आर्थिक समस्याएं हैं, फाइनेंशियल मुश्किलें हैं, वो दूर होंगी और आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होता चला जाएगा। करियर की जो स्थिति है ये आपकी कुल मिलाकर इस साल में ठीक बनी रहेगी, लेकिन साल के अंत में आपको दुर्घटनाओं का ध्यान बनाए रखना है। साल के अंत में व्यर्थ की दुर्घटनाएं हो सकती हैं। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप पूजा करें, नियमित रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए, तो जन्मदिन के बारे में पंडित जी से हमने जान लिया है, अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा जानने का, और आज की जिज्ञासा पंडित जी ये है कि क्या शिव जी को तांबे के लोटे से दूध अर्पित हम नहीं कर सकते हैं? देखिए, तांबे के पात्र में दूध पूरी तरह से विष बन जाता है, क्योंकि कॉपर के साथ सल्फेट मिलेगा, वो कॉपर सल्फेट होगा जो कि एक पॉइजन है, तूतिया कहते हैं उसको। ऐसे में ये दूध अर्पित करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, ऐसा दूध अर्पित मत करिए तांबे के लोटे से। अगर दूध अर्पित करना है तो एक तो सावन में करिए थोड़ा सा, अगर करना ही है तो, और दूसरा स्टील के लोटे से, चांदी के लोटे से अर्पित करिए, ज़्यादा बेहतर होगा। तांबे के बर्तन से अगर आप दूध ग्रहण करते हैं तो ये भी बहुत नुकसान दे सकता है, शरीर पर सफ़ेद निशान आ सकते हैं या पेट में, लिवर में गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। तो तांबे के बर्तन से भगवान शिव को दूध चढ़ाइए भी नहीं, और ये दूध स्वयं ग्रहण ना करिए तो ज़्यादा अच्छा रहे। तो ये आज की जिज्ञासा थी जो पंडित जी ने दूर कर दी है। फिलहाल अगर आप भी ये गलती करते थे तो अब बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और शुभपहर पंडित जी से जान लेते हैं, 25 जून शनिवार का शुभपहर क्या है, पंडित जी आपको बताएंगे। दिनांक 25 जून 2022 दिन शनिवार, शुभपहर जान लेते हैं। शुभपहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में शनि मंत्र का 108 बार जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर 108 बार नहीं जप सकते तो कम से कम 27 बार जपें, और जपने के बाद प्रार्थना करें। आपके रोजगार में जो बाधा चली आ रही है, आपके करियर में जो समस्या चली आ रही थी, उसमें सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 25 जून शनिवार को रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में ये उपाय करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और वक्त हो गया है अब गुड लक राशि के बारे में जानने का, देखते हैं आज की कौन सी वो राशि है जिसके बारे में पंडित जी जानकारी देने वाले हैं। अब हम आपको अलग अलग राशियों के करियर के बारे में बताना शुरू करेंगे। तो आज की जो गुडलक राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वालों को तकनीक के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी में, सेना में, प्रशासन में और राजनीति के क्षेत्र में लाभ होता है।
इन्हें बार बार अपने करियर में बदलाव नहीं करना चाहिए। मेष वालों की बड़ी मुश्किल ये है कि वो एक करियर से संतुष्ट नहीं होते, बार बार करियर बदलते हैं, जिसकी वजह से करियर में दिक्कतें होती हैं। करियर में सफलता अगर चाहते हैं तो आपको शनि देव की उपासना जरूर करनी चाहिए। आप नियमित रूप से शनि मंत्र पढ़ते रहिए। अगर आपकी राशि मेष है तो आपको करियर में दिक्कत नहीं होगी। और कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर अब हम पहुंच चुके हैं और यहां पर पंडित जी आपको देते हैं एक महा उपाय। तो चलिए, आज का महा उपाय किस तरीके से आपको भी लाभ पहुंचा सकता है, आइए देखते हैं। अगर आप शिक्षार्थी हैं या विद्यार्थी हैं और शिक्षा में सफलता चाहते हैं तो क्या करेंगे? सफेद रंग की सरस्वती माता की मूर्ति अपने पूजा स्थान पर या अपने पढ़ने के स्थान पर रखें। रोज इनको पीले फूल चढ़ाकर इनकी पूजा करें। अगर वास्तविक पीले फूल नहीं मिल रहे हैं तो मानसिक पीले फूल चढ़ाइए। इससे विद्या, बुद्धि और वाणी का वरदान आपको प्राप्त होगा। ये छोटा सा उपाय अगर आप नियमित रूप से करें तो इससे ज्ञान में, विद्या और बुद्धि में आपके लाभ जरूर होगा। तो इस महाउपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ धातुओं के बारे में जानकारी देने के लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी कि गुड न्यूज़ टुडे।